हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं कर्क रेखा, जहाँ से गुजरती है वहाँ उस स्थान पर। कर्क रेखा के बारे में हम सब ने बचपन से ही भूगोल में पढ़ा है। उस स्थान पर जाना अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में भोपाल से 27 किलोमीटर दूर उत्तर से निकलती है, और जहाँ से यह गुजरती है वह स्थान स्टेट हाईवे 18 पर रायसेन जिले के दीवानगंज और सलामतपुर के मध्य स्थित हैं। कर्क रेखा को प्रदर्शित करने के लिए उस स्थान पर राजस्थानी पत्थरों से चबूतरा नुमा स्मारक बनाया गया है, जो कि न रायसेन जिले का ही नहीं बल्कि वहां से निकलने वाले हर शख्स के लिए एक आकर्षण सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति बिना सेल्फी के आगे नहीं बढ़ता। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत होता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध में, यह वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। इसलिए यहाँ पर इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये थी कर्क रेखा से संबंधित कुछ जानकारी, और ये है कर्क रेखा। ये रोड के दोनों साइड है। ये चबूतरा नुमा जो कर्क रेखा है, ये रोड के दोनों साइड स्थित है, और इसमें ये जो लकीर है ये कर्क रेखा को प्रदर्शित करती है। ये कर्क रेखा जब हम ग्लोब देखते हैं तो हमें कर्क रेखा ग्लोब में 20 सेंटर में दिखाई देती है। भारत उसके ऊपर और नीचे स्थित है, तो ये वही कर्क सेंटर लाइन है। तो ये है कर्क रेखा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।